सोलन के दालाघाट और बिलासपुर के बरमाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सीमेंट प्लांट बंद होने की वजह से 15,500 लोगों का रोजगार छिन गया है। सरकार ने कंपनी को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सरकार विवाद को शांत करने के लिए काम कर रही है और अगर स्थिति में सुधार नहीं होता तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करेगी। नरेश चौहान ने कहा कि सीमेंट की कमी की वजह से विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। सरकार इसके लिए दूसरे राज्य से भी बात कर वैकल्पिक रास्ता तलाश करेगी। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को तरजीह देंगे। अगले 5 साल सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों की ही खरीद करेगी। चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। नरेश चौहान ने बताया कि धर्मशाला के जोरावर मैदान में 21 दिसम्बर को कांग्रेस की सरकार बनने पर आभार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांगड़ा जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन दिल्ली में थे जब ये सीमेंट फैक्ट्रीज वालों ने फैसला लिया कि हम अपना कारखाना बंद करेंगे और नोटिस इशू किया एम्प्लॉइज को। जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल अपने मुख्य सचिव को आदेश किए कि आप सुबह दोनों जगह के डिप्टी कमिश्नर्स को जो है डिप्यूट किया गया कि आप उनसे बात करें कि ये डेडलॉक क्यों है। वास्तविकता में ये जो प्रॉब्लम आई है, ये फैक्ट्री मैनेजमेंट और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच है। जो उनका माल भाड़ा है ट्रकों के ऊपर, जो भाड़ा ले रहे हैं उसको लेके एक विवाद उनका चल रहा है, जिसमें फैक्ट्री वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा भाड़ा ले रहे हैं, आप कम करो, और जो ट्रक ऑपरेटर यूनियंस है उनके जो मालिक है वो चाहते हैं कि इसका भाड़ा जो है थोड़ा बढ़े। तो ये विवाद वास्तविकता में उसको लेके, लेकिन हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की गंभीरता आप देखिए कि आज फिर से कि आप इसको बात करो। सरकार वचनबद्ध है कि हम इस डेडलॉक को तोड़ना चाहते हैं और काम धंधा शुरू करें, और जिससे ये जो इनकी नेगोशिएशन है होती रहेगी बात, लेकिन सरकार ने जो कानूनी कार्रवाई भी है, जो नोटिसेस देने थे लेबर लॉ के तहत, इनको जो एक मिनिमम टाइम नोटिस देना होता है वो भी उन्होंने नहीं दिया, उसकी कार्रवाई अलग कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात के लिए बिल्कुल साफ है कि इस डेडलॉक को जल्दी से जल्दी तोड़ना है। इसमें ऊपर 15,500 ऐसे फैमिलीज है जिन्होंने ट्रक खरीदे अपनी जमीनें बेच के, और उनके ऊपर उनके परिवार भी आश्रित है, और बहुत बड़ा एक नुकसान है, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्रीज वाले मालिक हो चाहे ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन वाले हो। हमारी सबसे उनसे भी दरखास्त है कि आप इस फैसले के ये जो है मिल बैठ के ये फैसला सुलझाया जाना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इनके मालिक से भी बात करेंगे। सरकार हर तरह से बिल्कुल तैयार है, प्राथमिकता के आधार पर हर काम के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट से बाहर है लेकिन निरंतर हर बात उनको पूरी जानकारी मिल रही है। मैंने एक जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही चुनाव के दौरान निरंतर कि हम सरकार सत्ता परिवर्तन के लिए काम नहीं कर रहे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे। उसका मतलब था कि उनकी एक सोच थी और उस सोच को वो आगे बढ़ाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक आम व्यक्ति है, आम परिवार से है और एक झंझारू संगठन से निकले हुए नेता है। उनकी एक सोच है कि हम प्रदेश में कुछ चीजें बदलना चाहते हैं। एनवायरनमेंट को लेकर उन्होंने पहला फैसला किया, अपने अभी कैबिनेट नहीं बनी लेकिन अपने सभी एमएलओ को बैठा के और अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि आइंदा जो भी परचेज होगी गाड़ियों की हिमाचल प्रदेश में वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। 5 साल का एक टारगेट रखा गया और आज ही आदेश हो गए हैं कि कई जगह जो है चार्ज स्टेशन जो है मैक्सिमम जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के आदेश हो चुके हैं। ये सेशन था 22-23-24 को जो धर्मशाला में होना है। जब वहां जाना था तो वहां के जो हमारे चुने हुए विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और आम जनता की एक भावना थी कि मुख्यमंत्री जी पहली बार कांगड़ा जिला में आ रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन 21 तारीख को 11 बजे जो है धर्मशाला में मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए रखा है।